दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कैनवा की जो टेम्पलेट्स है वो सेल कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 वेबसाइट्स शेयर करूँगा कि जहाँ पर आप अपनी कैनवा के जो टेम्पलेट्स है वो सेल कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। मेरा नाम है अजय धारिया, मैं ग्राफिक डिजाइनर एंड कैनवा कोच हूँ। इस YouTube चैनल पर आपको कैनवा से रिलेटेड और कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा और वो भी प्रीमियम कंटेंट है, वो आपको दूसरे किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला। सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो 5 ऐसी वेबसाइट्स शेयर करने वाला हूँ, उन वेबसाइट्स पर आप जो कैनवा की टेम्पलेट्स है वो सेल कर सकते हो। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि आप जो कैनवा की टेम्पलेट्स है तो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो को शुरू करता है। और यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसी वेबसाइट भी सजेस्ट करूंगा जहाँ पर आप पर्टिकुलरली जो मेरी फेवरेट है और मेरी सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है वो भी वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपको मैं पूरा गाइड भी करूंगा कि आप किस वेबसाइट को चूज कर सकते हो अपनी टेम्पलेट्स को सेल करने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, वो है Etsy। Etsy.com एक बहुत ही पॉपुलर साइट है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आप अपनी बहुत सारी जो टेम्पलेट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। यानी कि आप अपना जो ई कॉमर्स स्टोर है वो क्रिएट करके यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के अपने बंडल्स को सेल कर सकते हैं। लाइक आपको अपना ई बुक हो गया, कोई वर्कबुक टेम्पलेट हो गया, कोई इनवॉइसेस हो गया, कोई भी जो आपको आता है वो आप बनाइए और यहाँ पर सेल करिए। हमारी दूसरी वेबसाइट वो है creativemarket.com। creativemarket.com एक ऐसी ही साइट है जहाँ से इससे जैसे काम करता है वैसे ही ये भी साइट काम करती है। यहाँ पर आपको जो वेबसाइट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो सारी वेबसाइट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी है, तो आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। हमारी तीसरी वेबसाइट जो है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है लेडी बोस बुटीक। जी हाँ, ये वेबसाइट भी इसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से Etsy क्रिएटिव मार्केट काम करता है। आप इस वेबसाइट को भी एक बार विजिट करिए और आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी जो आप Etsy और क्रिएटिव मार्केट पर देख सकते हो। हमारी चौथी वेबसाइट वो है designbundle.net। ये भी इसी तरीके से काम करती है। और हमारी आखिरी वेबसाइट जो है designcuts.com। ये एक लाइक Etsy क्रिएटिव मार्केट से थोड़ा ऊपर, जी हाँ थोड़ा ऊपर है। आप इस वेबसाइट पर ये वेबसाइट जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो आप भी एक बार इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली कौन सी वेबसाइट्स आपके लिए बेस्ट है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो Etsy पे अपना ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करके बना सकते हैं, और अगर आप चाहे कि Etsy के ऊपर आप किस तरीके से ई कॉमर्स स्टोर अपना क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। और आपको मैं 2 वेबसाइट्स जो सजेशन मैं यहाँ पर दूंगा, आप Etsy का भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा जो मेरा सजेशन होगा वो है क्रिएटिव मार्केट। क्योंकि ये वेबसाइट स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ से मैं खुद बहुत सारे आइडियाज़ भी लेता हूँ ग्राफिक्स के लिए। आपको यहाँ पर आइडियाज़ भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप कैनवा को सीखना चाहते हैं फ्री में तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दी हुई है।